दोस्तों, जो कि मेरे पास डिवाइस है ये है सैमसंग M21। इसकी मैंने थोड़े दिन पहले अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह डाला था और इसका मैंने पबजी टेस्ट भी करा हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस वगैरह नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मेनली इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, जो कि मेरे फ़ोन में कल रात को आया था। तो मैंने सोचा था सुबह उसको डाउनलोड करके एक वीडियो बना दूंगा क्या कुछ नया फीचर वगैरह आया है। तो यहाँ पे देख जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में काफ़ी सारे वर्ड्स न्यू में लिस्ट है, इसकी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं एक नया फीचर आया है, एडिट न्यू फीचर डिस्कवर करके, जिसमें जो आपके डेली रूटीन के हिसाब से चेंज होता रहेगा या फिर उसको कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या है, डिवाइस स्टेबिलिटी आया है, न्यू और इन्हेंस फीचर ऐड करे गए हैं और इम्प्रूवमेंट्स थोड़ी मतलब परफॉर्मेंस वगैरह इसकी इम्प्रूव करी गई है। तो ये कुछ अपडेट आया है इस फ़ोन में, और देख सकते हैं जो कि अपडेट साइज़ है वो है 308 MB का। तो इस वीडियो में इसको डाउनलोड करके आप लोग को बता दूंगा क्या कुछ नया मिल जाता है। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें मतलब देखते हैं दोस्तों, इसमें अभी फ़िलहाल तो एंड्रॉयड 10 है, बाकी फ्यूचर में देखते हैं एंड्रॉयड 11 का अपडेट वगैरह आता है कि नहीं। इसको मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ कितने देर में होगा। स्पीड काफ़ी ठीक ठाक आ रही है, देख सकते हैं आप लोग 1.6 Mbps की आ रही है स्पीड। तो 4 मिनट टाइम दिखा रहा है डाउनलोड होने का, देखते हैं 4 मिनट में हो पाता है कि नहीं। नियरली 50% डाउनलोड हो चुका है और जो टाइम रिमेनिंग है वो है 1.5 मिनट के आसपास टाइम रह गया है। लोकेशन बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा अपडेट नियरली डाउनलोड हो चुका है, 2 सेकंड रह गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि अपडेट हमारा डाउनलोड हो गया और रेडी टू इंस्टॉल हो गया है। तो कर देते हैं इसको इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल होने लग गया। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन हो चुका है ऑन, तो अब इसको करते हैं अनलॉक और देखते हैं क्या कुछ नया फीचर वगैरह आया है। देख सकते हैं अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्या कुछ नया फीचर आया है। फिनिशिंग सिस्टम अपडेट अभी भी अपडेट हो ही रहा है। यहाँ देख सकते हैं लिखा रहा है कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर अपडेट, क्लिक टू गेट स्टार्टेड। ये तो ऐप क्लाउड का था, मतलब अभी भी मतलब फिनिशिंग सिस्टम अपडेट लिखा आ रहा है कम्प्लीटली, मतलब अभी हुआ नहीं है। इस पर टैप करते हैं, अभी मतलब अपडेट हो ही रहा है अभी भी। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, नियरली 20 मिनट्स लग गए केवल 300 MB के अपडेट अपडेट को इंस्टॉल करने में। यहाँ पे
मतलब हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। डिस्कवर न्यू एप्स देर आर कम्प्लीट। ओके, इसको तो हम चेक कर देते हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। तो अपडेट इंस्टॉल हो गया, अभी फीचर्स वगैरह तो देखते हैं क्या कुछ नया आया है। फाइनली दोस्तों, मेरे को जो कि ऐप अपडेट में फीचर आया था डिस्कवर का, वो मिल चुका है। जैसा कि क्या था कि मैं ना, मेरे फ़ोन में ऐप ड्रॉवर इनेबल नहीं है सैमसंग में, इस वाले में, लेकिन जिस फ़ोन में ऐप ड्रॉवर का फीचर इनेबल है उसी में वो डिस्कवर ऐप ऑप्शन शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें वो इनेबल करना होगा। सेटिंग्स में जाइए होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे दिख रहा होगा होम स्क्रीन लेआउट, तो मैंने लिखा यहाँ पे सेट कर रखा होम स्क्रीन ओनली। इसको कर देना आपको होम एंड ऐप स्क्रीन्स, मतलब ऐप ड्रॉवर ये एक तरीके से, इसको ऐसे करके आपको इनेबल कर देना है। अब क्या होगा ये देख सकते हैं, कुछ ऐप तो आपके होम स्क्रीन पे मेन स्क्रीन पे है, और जैसे ही आप स्वाइप करेंगे अप करेंगे तो आपका ऐप ड्रॉवर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐप ड्रॉवर कह लीजिए जो भी कहना है इसको। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे लिखा हुआ है पर्सनल एंड डिस्कवर, तो यहाँ पे ये फीचर था तो काफ़ी देर बाद मेरे को मिला। तो इसमें सिंपली क्या है, डिस्कवर पे जैसे ही आप लोग जाएंगे, सॉरी डिस्कवर, हाँ जैसे ही आप लोग डिस्कवर ऐप पे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है वेलकम टू डिस्कवर, गेट ऐप्स दैट मैचेस योर इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल इन वन प्लेस। तो यहाँ पे एग्री करना आपको, तो बेसिकली इसके लिए नेट ऑन करना पड़ेगा। हाँ बेसिकली क्या है ये, एक मतलब ऐड है एक तरीके से कह सकते हैं, कि इसमें आपको जो भी ऐप सेलेक्टेड है जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएंगे। तो सैमसंग ने क्या करा है अपने ऐप अपडेट के जरिए, ये मतलब अपने यूआई में भी ऐड शो कर रहा है धीरे धीरे, जैसे Xiaomi और ये मतलब Realme वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐड आने लग गए नीचे, ऐप्स और यू करके ये सारी ऐड ही हैं। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि हमें ऐसे फीचर्स की नीड ही नहीं थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐप अपडेट, ये मतलब एक तरीके से ये फीचर डाल के अपना मतलब वो कर रहे हैं, मतलब अपनी ऐड शो कर रहे हैं हमारे फ़ोन में। तो इस फीचर को बेसिकली डिसेबल करने का एक ही तरीका है कि आप अपने ऐप ड्रॉवर को बंद कर दें। मेरे को तो ये बढ़िया फीचर नहीं लगा, बाकी आपको लगा तो आप लोग रख सकते हैं। तो डिसेबल करने के लिए बेसिकली क्या करना है, होम स्क्रीन पे प्रेस करके रखना, होम स्क्रीन लेआउट पे जाके होम स्क्रीन ओनली और अप्लाई। जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं, अब मैं स्वाइप अप करूँगा तो नीचे कुछ भी डिस्कवर और पर्सनल जैसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग डिस्कवर का जो ऑप्शन है उसको इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो बाकी बेसिकली अपडेट में कुछ मतलब सिक्योरिटी पैच अपडेट था सैमसंग के सॉफ्टवेयर अपडेट में, और उसने एक डिस्कवर फीचर दे दिया बस नाम नाम का, जिसमें आपको फालतू के एड्स वगैरह शो होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।